ओके बच्चों, जो अगला टॉपिक है हमारा वो है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वैसे आप ये टॉपिक कई बार पहले भी कर चुके हो, टेंथ में भी हमने थोड़ा बहुत इसको करा था। भाई सीधी सी बात है कि अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज को कुछ इंपॉर्टेंट हेड्स में डिवाइड करें तो सबसे पहले तो आता है स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी कंट्री में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोसेस स्लो रहता है, मतलब वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है या बाकी जो सेक्टर्स हैं, अगर वो उतना तेज़ी से ग्रो नहीं करते तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं होंगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मेन एम होता है, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, वो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला फैक्टर स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरा है पॉपुलेशन एक्सपोजर। भाई इकोनॉमी में 10 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, लेकिन 25 लोग हमारी पॉपुलेशन में ऐड हो गए, तो क्या होगा कि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ईयर कहीं ना कहीं हमारी जो अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है उनका जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। और प्रॉब्लम जो सॉर्ट आउट होनी चाहिए थी, जो सॉल्व हो जानी चाहिए थी, जस्ट बिकॉज पॉपुलेशन की जो स्पीड, जो बढ़ने की स्पीड है, वो एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने की स्पीड से ज़्यादा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, सिचुएशन और वर्स हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। आज़ादी के 70 साल के बाद भी हमारी कंट्री वैसे फूड सेल्फ सफिशिएंट हो गई है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी ऐसा हाल है कि हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कि बहुत सारे जो किसान लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, वो इतनी लो या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं कि उनका जो आउटपुट है वो बहुत कम रहता है, उनकी अर्निंग पर कैपिटा बहुत कम रहती है। और ऐसे बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनको मजबूरी में ज़्यादा डेट होने की वजह से सुसाइड तक करना पड़ता है, जो हमारी ऐसी कंट्री के लिए, स्पेशली आफ्टर अ पीरियड ऑफ 70 ईयर्स ऑफ प्लानिंग, ये एक बहुत शर्म की बात है। बट ऑब्वियसली कुछ नहीं कर सकते और अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। देन आता है डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। हमारी कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है, ये दुनिया के बहुत ज़बरदस्त डिफेक्टिव सिस्टम में से एक माना जाता है, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ाते हैं बच्चों को, कहीं ना कहीं उन बच्चों को उस हिसाब से ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि हम उनको उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग दे सकें। हम जो भी पढ़ाए उनको आगे जाके काम आए। सिर्फ बहुत कम जगहों पे, कुछ बहुत रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे कि इस तरह की एजुकेशन को इम्पार्ट किया जाता है, जिसकी वजह से जो थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो सूट करता है। वो कहीं ना कहीं वहाँ पे वो लोग एम्प्लॉयड हो जाते हैं जहाँ पे उनको, क्योंकि उनको उसके हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। बाकी पूरे कंट्री में हमारा जो सिस्टम है वो उतना कैपेबल नहीं है, वो उतना एडवांस नहीं है कि वहाँ पे लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए या वहाँ पे लोगों को ऐसे काम सिखाए जाए, ऐसे एजुकेशन तरीके से एजुकेट किया जाए कि उनको आगे जाके एम्प्लॉयमेंट मिल सके। एंड अल्टीमेटली बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं, उनको भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता और वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। अगला, स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ। आज़ादी के 70 साल हो गए हमारी कंट्री में, कई सारे 5-year प्लान्स अब तक हम लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका जो डेवलपमेंट, जो ग्रोथ है, वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। चाइना या बाकी जो कंट्रीज हैं वो हमारी कंट्री, जबकि हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस या हमारी प्लानिंग साथ में स्टार्ट होती, लेकिन वो हमसे पर कैपिटा इनकम है, GDP में वो हमसे काफ़ी गुना आगे बढ़ चुका है। वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बहुत बेटर है कंपैरेटिवली हमारी कंट्री के मुकाबले में, जो अगेन कहीं ना कहीं हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए एक सोचने की बात है कि वो ऐसा काम क्यों नहीं करते जहाँ पे कि लोगों को प्रॉपर एजुकेशन दी जाए और वो इस तरीके से ट्रेनिंग दी जा सके कि वो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। अगला, डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। भाई अब हमारी कंट्री में बहुत सारी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आ चुकी हैं, जिसके चक्कर में क्या होता है कि जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं वो लगातार डिक्लाइन होती जा रही हैं, जैसे पॉटरी मेकिंग है, जैसे हैंडीक्राफ्ट है, जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज है, जैसे कारपेट वीविंग है, जैसे ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं जो इस तरह के टफ कॉम्पिटिशन को फेस नहीं कर पाती और वो बंद होती चली जाती हैं। और क्योंकि वो बंद होती जाती है तो उनमें जो लोग एम्प्लॉयड हैं
वो अपना एम्प्लॉयमेंट खो जाते हैं और उनको मजबूरी में उन जगहों पे काम करना पड़ता है जो उनको नहीं आता, जिसकी वजह से उनकी जो अर्निंग है वो काफ़ी कम हो जाती है। अगला पॉइंट, फॉल्टी प्लानिंग। भाई हमने फाइव ईयर प्लान बनाए, बहुत सारे फाइव ईयर प्लान बनाए जिसमें हमने एजुकेशन सेक्टर, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स के डेवलपमेंट पे फोकस करा, बट कहीं ना कहीं अभी भी गवर्नमेंट की प्रॉपर इम्प्रॉपर प्लानिंग की वजह से, ये उन प्लानिंग को प्रॉपरली एग्जीक्यूट ना करने की वजह से हमारी कंट्री जो है वो बैकवर्ड रह गई, या जिस स्पीड से हमको ग्रो करना चाहिए तो वो हम नहीं कर पा रहे, अगेन रिजल्टिंग इन टू इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन आर कंट्री। देन अगला, लो कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन बेसिकली होता है इन्वेस्टमेंट। भाई हमारी कंट्री में जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो नहीं होता। हमारी आज भी जो पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर ले लो चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर ले लो, बहुत कम है। सेम अगर हम उसको डेवलप कंट्रीज के मुकाबले में कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे अगर एक आदमी जो भी प्रोड्यूस करता है वो हमारे मुकाबले में कई गुना ज़्यादा प्रोड्यूस करता है बिकॉज ऑफ वेरी एडवांस्ड स्किल दे पॉजेस, बिकॉज ऑफ वेरी एडवांस नॉलेज दे पॉजेस, एंड बिकॉज ऑफ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी दे गेट टू वर्क विथ, जिसकी वजह से हमारी कंट्री का प्रोडक्टिविटी कम होता जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ता जाता है।